चलिए विद्यार्थियों, तो आज आप लोगों के लिए फिर ऑप्टिक्स का ये दूसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लेके आए हैं। अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अब तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि प्रत्येक दिन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसके सहारे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं उस प्रश्न को आप हमेशा देख सकते हैं, अपने कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं। उस प्रकार के प्रश्न जो हम इस यूट्यूब के माध्यम से आपको देंगे, तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो होंगे उसके अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। बाबू, क्वेश्चन ऐसा है कि यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। तो पहले हम ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबका आंसर कमेंट करने के लिए आपको कुछ समय देंगे, यानी आप मान के चले कि एक प्रकार का क्यूज आप खेलिए और लगाइए अपने आप का अंदाजा कि आप कितने प्रश्नों का आंसर याद अब तक रखे हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं, एनसीईआरटी के प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं बाबू कि यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है साइन थीटा, ऑप्शन बी है कॉसेक थीटा, ऑप्शन सी है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी है 1/sin²θ। तो बाबू, ये पहला आपका कर्तव्य बनता है कि आप कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि आप लोग क्रांति कोण का सूत्र जानते हैं। क्रांति कोण का सूत्र C=2 होता है साइन इनवर्स 1/, और उसके लिए जो भी सूत्र होगा, जो भी अपवर्तनांक होगा, यानी बटा में क्या होगा भाई, म्यू, ठीक है। तो अगर इससे कह रहा हो कि बताइए क्रांति कोण थीटा हो तो अपवर्तनांक कितना होगा, अपवर्तनांक का मान पूछ रहा है, तो हम लोग इजी भी आसानी से बता सकते हैं साइन को इधर लेकर के, कि साइन और एंगल कह रहे कितना रखिए थीटा, सी मत रख क्या रखिए थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/μ, म्यू हो जाएगा। अब म्यू पूछ रहा है कि म्यू बराबर कितना होगा, यानी अपवर्तनांक बताइए कितना होगा। तो म्यू को जब बाहर करेंगे तो साइन अंदर आ जाएगा, यानी 1/ हो जाएगा ये साइन थीटा। अब जब म्यू इक्वल टू 1/sin θ हो गया, तो बाबू ये 1/sin θ इक्वल टू एकदम इजी भी हो जाएगा कॉसेक थीटा के, यानी इसके ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। कुछ वैसे विद्यार्थी पिछले वीडियो में हमको बताया कॉमेंट करके कि सर कुछ प्रश्नों को जो लगे कि भास्ट है उसको आप डील्स कर दीजिए, सो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डील करें बिल्कुल। तो इसमें ऑप्शन बी जो है बाबू राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न ऐसा कह रहे हैं विद्यार्थियों कि दिए गए जो संबंध है, यानी चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा रिलेशन आपको सही नजर आ रहा है। यहाँ कह रहा है कि ग्लास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, जल बराबर होगा जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष गुने ग्लास का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। यहाँ देखेंगे ऑप्शन बी कह रहे हैं बाबू कि ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, इसमें देखिएगा तो जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, यहाँ जल को W से और हवा को A से और कांच को G से इंडिकेट किया गया है, बाई और ग्लास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। ऐसे ऐसे करके आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला ये काम है कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताएंगे बाबू कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। चलिए, जो लोग कमेंट कर रहे हैं हम सभी कमेंट पर ध्यान रखे हैं, बिल्कुल आप बताएंगे कौन सा कमेंट सही होगा। हाँ जी बाबू, देखिए जितने भी विद्यार्थी लोग कमेंट किए हैं इसमें ऑप्शन ए वो सही है, उनका ऑप्शन ए जो है सही है। अब आप ये भी प्रश्न करेंगे कि सर कैसे सही है, तो इजी वे इस ऑप्शन को देखिएगा, कह रहा है कि ग्लास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, यानी कांच का अपवर्तनांक दिया है हवा के सापेक्ष, तो ये कितना होगा।
तो कांच का पर्तनांक हवा के सापेक्ष बराबर हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष गुने कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसमें सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे, कह रहे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दो गुना हो बताएंगे। कह रहे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दो गुना बन रहा हो, एकदम महत्वपूर्ण बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे कि एक दर्पण है, दर्पण कैसा है भाई जी? तो दर्पण कैसा है? तो दर्पण अवतल है और इसका फोकस दूरी दिया है, एफ का मान दिया है, कितना दिए भाई जी? 20 सेंटीमीटर दिया है। अब 20 सेंटीमीटर एफ का मान दिया है। कह रहे कि किसी वस्तु के दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दो गुना बने, तो इसमें हम लोग तुरंत मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज कीजिए और पहले इसको सॉल्व कीजिए और तब सॉल्व करके आंसर इसका कमेंट कीजिए कितना होगा। और जानते हैं बाबू, कमेंट कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे स्पष्ट होगा कि कौन कौन मेरे विद्यार्थी हैं, प्रिय छात्र हैं, जिनसे हमको लगाव है, जिनसे हमको माने सबसे ज़्यादा दिलचस्प, हमारे बातों में ये लोग दिलचस्पी रखते हैं, हमको फॉलो करना चाहते हैं, तो ये ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा, आपके कमेंट से स्पष्ट होगा। ऐसे हम क्या जानते हैं कौन मेरे प्रिय शिष्य हैं। तो अगर नज़दीकी बढ़ाना है बाबू तो बिल्कुल आप कमेंट करना ना भूलें। और जानते हैं बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट आएगा। आप बनाएंगे 20 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी, एकदम आसान। कह रहे हैं कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, माने कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, शून्य होता है कि बी होता है कि धनात्मक ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। वो सब लोग जानते हैं ना कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया गया हो तो इसके द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की आकार बढ़ेगी कि आकार घटेगी कि तीव्रता कम होगी कि उपरोक्त इनमें से कोई सिचुएशन नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है ना बाबू, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस है। लेंस कैसा है जी? उत्तल। इस उत्तल लेंस के आधे भाग को पूर्ण रूप से काले रंग से रंग दिया गया, काले रंग से रंग दिया गया। अब कह रहा है कि इस उत्तल लेंस उपरार्ध भाग कर है ना, तो काले रंग से रंग दिया गया है। अब कह रहे कि इसके द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे उसका आकार बढ़ेगा कि आकार घटेगी कि तीव्रता कम होगी, कौन सा सिचुएशन इसमें होगा? आप दिमाग लगाएंगे, माइंड यूज करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। और बाबू जितने लोग इसमें कमेंट सी सही कमेंट किए हैं, ऑप्शन सी उन लोग का राइट है, कमेंट सी जो है सही है, तीव्रता कम होगी। जैसे ही इसके सामने किसी वस्तु को रख करके इमेज बनाएंगे तो उस इमेज की जो तीव्रता होगी वो कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करे कि बिंदुवत प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समानांतर हो सकती है। किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश की किरणें चल रही है, परावर्तन के बाद समानांतर हो सकती है। किससे? अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, दो उसके बाद सी कह रहा है दोनों से, डी कह रहा है दोनों में से कोई नहीं। आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? बताएंगे बिल्कुल, हाँ जी, कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण जी? अवतल दर्पण। दर्पण कैसा हो? अवतल। अगर आपके पास अवतल दर्पण है, अगर किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है तो यहाँ पड़ने के बाद एकदम मुख्य रूप से यहाँ से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी।
यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए सही होगा, केवल अवतल दर्पण द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक माध्यम से, देखेंगे क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? सब लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, सब लोग जानते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे बाबू। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, उपयुक्त सभी। आखिर अपवर्तन की घटनाएं किसके कारण होती हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, बताएंगे कमेंट करके। और जानते हैं बाबू, जो लोग आंसर एक कमेंट किए हैं ना, उनका सही है, बिकॉज प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल बदलता है। रीजन है, मान लेते हैं कि दो माध्यम ले लिए, ऊपर लिए एक हवा और नीचे ले लिए जल। अब जैसे ही चलेंगे प्रकाश किरणें, जैसे हवा में थोड़ा तेज चलेगी, अब जब ये जल में, नीचे जल बना है, जल में प्रवेश करेगी, जैसे ही ये जल में प्रवेश करेगी तो इसका चाल कम हो जाएगा। रीजन ये है कि जल का जो सघनता है थोड़ा अधिक है हवा की अपेक्षा, जिसका इसका स्पीड स्लो होगा और स्लो, और यही कारण है कि अपवर्तन नामक घटनाएं होगी स्लो होने के कारण, यानी वो अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो यही रीजन है कि अपवर्तन की घटनाएं होगी। हाँ, ये एक सिचुएशन होगी। दूसरा सिचुएशन अगर इसी को पलट के देखें, जब प्रकाश की किरणें जल से जाएगी, कहाँ से जाएगी जी, जल से प्रवेश करेगी हवा में, तो जल की सघनता अधिक है और हवा की जल की अपेक्षा कम है, यानी ऐसे देखें तो ये सघन और ये विरल हो गया। जैसे ही अब ये जल से हवा में प्रवेश करेगी, जब जल से हवा में प्रवेश करेगी तो जल में जिस स्पीड से ये चल रही थी, अब यहाँ रीजन क्या होगा कि इसकी ये प्रकाश किरण जो है अब हवा में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ इसका स्पीड जो होगा थोड़ा अधिक हो जाएगा। जब अधिक हो जाएगा तो ये अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से कहाँ भागेगी भाई, दूर भागेगी। तो यही कारण है कि अपवर्तन की जो घटनाएं होती है प्रकाश के चाल पर डिपेंड करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कुछ ऐसा कह रहे बाबू कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, किस कारण से, परावर्तन के या अपवर्तन के या विवर्तन के या पूर्णांतरिक परावर्तन के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ प्रतीत होता है। एकदम ऑप्शन फ्रैंक, एकदम कन्फर्म सही ऑप्शन डी। चलिए देखिए, जितने भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन का हम आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं जो एकदम इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए कि 2021 के एग्जाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देखेंगे, कांच के एक अवतल लेंस को जब दल में डुबाया जाता है तो ये हो जाता है, कैसा हो जाएगा, कम अभिसारी या अधिक अभिसारी या कम अपसारी या अधिक अपसारी, कमेंट करके बताइए। ये तो इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और इसमें ऑप्शन जो है सी सही होगा, कम अपसारी। देखिए अगला प्रश्न ऐसा है बाबू कि किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 फोकस दूरी एफ है को जल में जिसका अपवर्तनांक 4/3 डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी बताइए क्या होगी। उत्तल लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है, इसके लिए ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन ऐसे है बाबू, ऑप्शन कह रहा है कि एफ से बड़ी हो जाती है, एफ से छोटी हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। जानते हैं बाबू, इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, एप से बड़ी हो जाती है। तो बाबू वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए इससे भी बेहतरीन प्रश्नों का वीडियो लेके आएंगे। और आपको बिल्कुल, मेरा हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको ये मैं 100%
ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑब्जेक्टिव के इतना बेहतरीन तैयारी करा देंगे, इतना बेहतरीन तैयारी करा देंगे कि फिर आप एग्ज़ाम देकर आने के बाद ज़रूर एक बार मुझे याद ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हम आपके इस चैनल से पढ़ के हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है एग्ज़ाम में टेकअप किए हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ टेकअप कर लीजिएगा। तो बस दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा कंटिन्यू प्रत्येक दिन संध्या 7 बजे जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होता है, आप लोग बिल्कुल देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।